क्योंकि तेरे फिंगर्स पे गिर गई है। छी, स्टिकी हैंड्स। टेक दिस मफिन लाइनर्स। दृश्य आइसक्रीम दिखा। ये ले, अब आइसक्रीम पकड़, अब तेरे हाथों में भी नहीं लगेगी। थैंक यू दीदी, ये तो मस्त आइडिया है। आइसक्रीम के नीचे मफिन लाइनर लगा दो एंड अवॉइड स्टिकी फिंगर्स। सी लाइक दिस। ये देखो, ग्लास को मफिन लाइनर से कवर कर दिया ताकि कोई भी मॉस्किटो अंदर ना जाए। नाउ यू कैन एंजॉय द ड्रिंक। चीयर्स। समझ में कोई आला वाटरमेलन है ना? अच्छा, वाटरमेलन खाना है पर नाइस नहीं है। No problem. ये देखो, मैंने ले लिया थ्रेड। आप देखते हैं मैं क्या करती हूँ। पता नहीं वाटरमैन से क्या बनने वाला है, क्या देखते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, मैं सेकंड स्टेप करती हूँ। देखो, हम ऐसे स्लाइसेस कर रहे हैं। See, this is so simple. Yummy. Easy है ना? Yummy. The next hack is watermelon lollies. For it's very simple. For this, you only need watermelon and some popsicle sticks. So, ऐसे watermelon लो और फिर popsicle stick उसमें ऐसे insert कर दो and keep it in the freezer for 2 hours. Watermelon lollies are ready. These are best in extreme summers. और जो watermelon के अंदर का पानी होता है ना, वो ice बन गया, so it's chilled and yummy. ये definitely try करना। Awesome है भाई। Awesome. गर्मी है और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना है। अच्छा, तू रुक, मैं तेरे को कुछ बना के देती हूँ। एक A4 साइज पेपर लो और उसको कलर करो। अब इसकी बैक साइड पे भी कलर कर लेते हैं। चलो वाटरमेलन के सीड्स बना देते हैं ब्लैक स्केच पेन से। अब सेम इसकी बैक साइड पे करना है।
अब ये डन। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखो ये ऐसे बन गया है। अब इसको फोल्ड करके ग्लू लगा देंगे। अब बस ये ऐसे स्टिक हो गया। अब ऐसे ही सेम दो और बना लेंगे और फिर इस सबको ऐसे स्टिक कर देंगे। ये तीनों ऐसे स्टिक हो गए हैं और अब यहाँ पे ऐसे पॉपसिकल स्टिक्स लगा देंगे। ये देखो समर फैन रेडी। ये ऐसे क्लोज हो जाएगा और ऐसे ओपन। ये ले डिलीशियस समर फैन। अब तू आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जा फैन करती हुई। ये ले। थैंक यू दीदी। बाय। मैं चली। बाय। तो आपने देखा घर पे इतनी आसानी से समर फैन बना सकते हो। मैं थक गई हूँ। कैसे रहा तेरे फ्रेंड्स के साथ? अच्छा रहा। पर तेरे पैरों में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हॉरिबल। मैं क्या करूँ? हर समझ में मेरे साथ यही होता है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सलूशन बताती हूँ। समर्स में ऐसे नेक वाले शूज ही पहनने चाहिए और बाहर से आते ही अपने शूज सबसे पहले धूप में रखने चाहिए और अपनी सॉक्स रोज बदल और अपने पैर अच्छे से वॉश कर, तब बेशक तेरे को कोई स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मैं ये जरूर ट्राई करूंगी, वरना ना मुझे लोगों के सामने ना एम्बैरेस फील होता है। अरे यार तू ट्राई करके तो देख, कोई एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगी तेरे को फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अरे हां जरूर ट्राई करना। वीडियो देखने में मजा आया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन ग्रे होना चाहिए। तो मिलते हैं।